निर्धारित किए गए मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री पर लाइसेंस किया जाएगा रद्द। जिला आबकारी अधिकारी। जिला आबकारी अधिकारी की आबकारी ठेकेदार को दी गई कड़ी चेतावनी। चेतावनी पालन न करने पर लाइसेंस किया जाएगा रद्द। निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करने पर लाइसेंस होगा रद्द और की जाएगी कठोर कार्रवाई। बड़ी खबर आ रही है विदिशा मध्य प्रदेश से। आबकारी विभाग के ने की जिले की 5 दुकानों पर कड़ी कार्रवाई। जिला आबकारी अधिकारी ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए ठेकेदारों को जिले के ठेकेदारों को लगातार चेतावनी दी है। विदिशा जिला आबकारी अधिकारी ने निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर शराब बिक्री, दुकानों पर निर्धारित समय से पूर्व खुला होना, जिसकी बड़ी खबरें लगातार प्रकाशित हो रही थी, जिनको लेकर जिला आबकारी अधिकारी ने जिले की 5 दुकानों पर कार्रवाई की है। विदिशा जिले की शराब दुकानों की अनुज्ञप्तिधारी सात्विक रिद्धि ट्रेडर्स की लगातार शिकायतों के बाद जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही ने संज्ञान लेकर उक्त खबरों की जांच कराने हेतु प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया है, जिसके बाद प्रभारी अधिकारियों के द्वारा उक्त प्रकाशित खबरों के आधार पर मदिरा दुकानों की जाँच की गयी है। जांच के दौरान 5 मदिरा दुकानों जिसमें देशी मदिरा, पीपलखेड़ा, हैदरगढ़, बरेठ, हाजीपुर, सिरोंज, भालभा मोरा दुकानों पर पॉजिटिव शराब दुकानें अपने पहले से चले आ रहे विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा को विक्रय किए जाने की शिकायत सही पाए जाने पर दुकानों के लाइसेंस के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर विधिक कार्रवाई विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसके आधार पर लाइसेंसी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। उक्त प्रकरण से संबंधित मदिरा दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर मदिरा दुकानों को बंद करने एवं अन्य अनियमितताओं के लिए आर्थिक जुर्माने को भी दंडित करने की कार्रवाई की जाएगी। विदिशा मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट, एंकर प्रीति शुक्ला के साथ।